सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, परस्परदेवो भव। ॐ नमो भगवते श्री राघवेन्द्राय। ॐ नमो भगवते श्री राघवेन्द्राय। राघवेन्द्राय श्री राघवेन्द्राय। राघवेन्द्राय श्री राघवेन्द्राय। ॐ नमो भगवते श्री राघवेन्द्राय। राघवेन्द्राय श्री सद्गुरु रूपाय। राघवेन्द्राय श्री बालकृष्णाय। राघवेन्द्राय श्री हनुमन्ताय। ॐ नमो भगवते श्री राघवेन्द्राय। ॐ नमो भगवते श्री राघवेन्द्राय। राघवेन्द्राय। ॐ नमो भगवते श्री राघवेन्द्राय। राघवेन्द्राय श्री सद्गुरु रूपाय। राघवेन्द्राय श्री बालकृष्णाय। राघवेन्द्राय श्री हनुमन्ताय। ॐ नमो भगवते श्री राघवेन्द्राय।
राघवेन्द्राय कृष्ण कन्हैयालाल की। सभी जोर से जय घोष करे, कृष्ण कन्हैयालाल की, गिरिराज धरण की, गो माता की। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर जगन्नाथ भक्तवत्सल करुणावत्सल मेरे कृष्ण की कृपा से अत्यंत दुर्लभ सत्संग श्रीमद् भागवत के रूप से हम सब कृपा प्राप्त हुआ है। वैसे कथा की समाप्ति नहीं होती, सत्संग की समाप्ति नहीं होती। संत कहते हैं सत्संग का तो केवल आरंभ होता है। अगर हमने सत्संग किया तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमने सत्संग शुरू किया और सत्संग खत्म किया। सत्संग जब जीवन में आता है तो सत्संग कभी रुकना ही नहीं चाहिए। पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य में सप्तम दिवस कथा का वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि जीवन में केवल सात ही दिन होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि। सात ही दिन होते हैं, इसीलिए कहा सात दिन भागवत करो, यानी सातों ही दिन सत्संग करो। तो अब हमें सोचना है कि हमारे लिए इस सत्संग से सद्गुरु ने क्या दिया है। संत ने, भगवान ने हमारे लिए क्या आज्ञा दी है। अब श्रवण हो चुका तो अब मनन करना चाहिए। इस कथा में से मेरे लिए क्या था, मनन करो, चिंतन करो। और आचरण का जैसे ही आरंभ होता है तब समझना कि श्रवण अब लागू होने लगा है। शुकाचार्य वर्णन करते हैं, राजन दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का हमने श्रवण किया। सारे गोकुलवासी अब वृंदावन आ चुके हैं, वहां पर भी अनेक असुरों का उत्पात हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर बकासुर अघासुर का उद्धार किया, कालिय को मारा नहीं, कालिय का मर्दन किया, अनेक यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, गोपियों पर कृपा की है, गोपियों को वरदान दिया है, आश्वासन दिया है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आकर मिलूंगा। धेनुकासुर का उद्धार बलराम जी ने किया और भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने गांव में वृंदावन में देखते हैं कि अनेक गोप गोपी एकत्रित हुए हैं और सब कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान ने पूछा कि बाबा ये क्या चल रहा है। तो नंद बाबा ने कहा, बेटा हम प्रतिवर्ष इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं। कन्हैया ने पूछा, क्यों करते हैं बाबा? तो बाबा ने कहा, बेटा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, वर्षा होने पर घास उगाती है जिसके खाने से हमारी गैया पुष्ट होती है, और तब गैया जब हमें दूध देती है तो उसका दही माखन बनाकर हम जब बेचते हैं तो हमारा जीवन चलता है, हम तो सारे ग्वाल हैं। बेटा हमारा जीवन इंद्र की कृपा से चलता है, इंद्र भगवान है। तब कन्हैया ने कहा, देखिए बाबा, देखिए गोपियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंद्र कोई भगवान नहीं है। आप इतने वर्षों से इंद्र की पूजा करते हैं, मुझे बताइए आपने कभी इंद्र को देखा है? अरे भगवान नारायण इंद्र है, उन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई, देवताओं को बनाया, उन्हीं की शक्ति से देवता चलते हैं और ये सारी सृष्टि चलती है।
बाबा एक बात देखिए, अगर ये गैया नहीं होती बाबा, अगर ये गिरिराज गोवर्धन नहीं होता तो हमारा पोषण कैसे होता है बाबा? ये जमुना, ये गिरिराज, ये अनेक संत ब्राह्मण, अपने माता पिता, गो माता बाबा, ये प्रत्यक्ष सृष्टि जो है, जिनके आधार से हम जीते हैं बाबा, मुझे लगता है प्रत्यक्ष भगवान का पूजन होना चाहिए। इतने वर्ष हुए, आपने कभी देखा है इंद्र को? तो सारे गोप विचार करने लगे। भगवान ने फिर कहा, देखो इस संसार में मनुष्य अगर अपना कर्म छोड़ दे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह कर्म करता रहे। जब मनुष्य ने कर्म छोड़ दिया तो न देवता कुछ कर सकते हैं, ना ही कोई कुछ कर सकता है। यहां पर हमें शंका हो सकती है कि कदाचित भगवान इंद्र का पूजन, देवताओं का पूजन करने के लिए मना कर रहे हैं। बात ऐसी नहीं है। यहां पर भगवान ने ये इसीलिए किया क्योंकि भगवान जानते थे कि अब जो इंद्र है, एक बात मैं बताती हूँ, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, ये जो है ये पदवियाँ हैं, पोस्ट, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, MLA, तो ये सारी पदवियाँ हैं। आज कोई प्रधानमंत्री है तो कल कोई होगा, आज कोई MP है तो कल कोई और होगा। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, ये सारी पदवियाँ हैं। समय समय पर सप्तऋषि बदलते हैं, देवता बदलते हैं। तो अब जो इंद्र था, भगवान ने देखा कि उस इंद्र को अपने अधिकार प्राप्त होने पर अहंकार हो गया था कि भाई मैं चलाता हूं। कभी कभार जैसे हमारे घर के मालक, कभी कभार हम सब इस शरीर के मालक हम हैं, ऐसा हम सोचते हैं। शरीर घर में कोई बड़ा हो तो उसे लगता है भाई कि घर मैं चलाता हूं, मैं कमाता हूं। जब ऐसे शरीर के इंद्र को, यानी राजा को, घर के राजा को जब अहंकार होता है तब भगवान उसका मर्दन करते हैं। अनेक संतों ने यह कहा कि भगवान अहंकार को खाते हैं। भगवान को अपने भक्त में अहंकार अच्छा नहीं लगता। भगवान जानते थे कि इंद्र को अहंकार है, उसका मर्दन करना है। दूसरी बात है कि भगवान सबको बताना चाहते हैं। बहुत लोगों को क्या होता है कि भाई हम 1-2 घंटा बहुत ग्रंथों का पारायण करते हैं। अनेक लोगों में ये आदत होती है, शिवलीलामृत है, दास बोध है, ज्ञानेश्वरी है, बहुत बस इतना पढ़ा, घंटा भर पढ़ा, इतने अध्याय पढ़े। देखिए ग्रंथ पारायण का महत्व है, लेकिन मैंने इतना किया बस और हो गया, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं है। तो जब अतिरेक होता है ना, तो कभी कभार घर वाले भी बोलते हैं कि बस ये पढ़ती रहते हो तुम, तो पारायण को कितना समय देना चाहिए, घर में भगवान की पूजा को कुछ समय देना चाहिए। कोई अतिथि आए तो उनसे भी 2 मीठी बातें करें, उनकी सेवा करें, इसमें भी समय जाना चाहिए। कुछ समय घर के बड़े वृद्धों की सेवा में, कुछ समय अपने बच्चों के लिए, तो कुछ समय अपने आत्मकल्याण के लिए भी हमें देना चाहिए। ये सब मनुष्य के अलग अलग धर्म है। अब किसी ने कहा नहीं मैं तो बहुत भक्ति करती हूँ, दिन भर बस पढ़ाई करूँगी, यहाँ प्रदक्षिणा करूँगी, वहाँ करूँगी, यहाँ तीर्थात्रा जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, और घर के बच्चों को नहीं देखते, पति का ध्यान नहीं रखते, तो ये गलत बात है। अति सर्वत्र वर्जयेत, सब करना चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा समय। तो भगवान यहाँ बोलना चाहते हैं, कभी कभार अतिरेक में मनुष्य क्या करता है कि जो प्रत्यक्ष भगवान है हम उनको भूल जाते हैं। एक भैया जी थे हमारे, ऋषिकेश आए थे, तो
तो उनकी माताजी हमको बोल रही थी जब हम भागवत का गुरुजी से दीक्षा लिए, उसी साल की बात है, तो उन्होंने कहा दीदी हमारा जो बड़ा बेटा है, उनकी दो बेटियाँ थी कुछ 10वीं या 11वीं कक्षा की, तो वो तो सुबह में स्नान करता है, पूजा करता है, थोड़ा बाहर जाकर आया फिर स्नान करता है, फिर आएगा फिर वो लघुशंका गया फिर स्नान करता है, दीदी एक एक दिन में 20-20, 30-30 बार स्नान करता है, भाई हम तो बस परेशान हो गए हैं। तो वो जब बोल रही थी तो मेरे गुरुदेव ने बताया, अति सर्वत्र वर्जयत, गुरुजी ने बताई थी बात, स्नान की शुद्धि आवश्यक है, नित्य स्नान करना ही चाहिए, शरीर की शुद्धि स्नान से ही होती है, धन की शुद्धि दान से ही होती है, खूब कमाया घर में समा करके समेट करके रखा नहीं चलेगा, दान देना ही पड़ेगा, दान के सिवाय धन की शुद्धि नहीं होती, भले हम ब्राह्मण हो, भले हम वक्ता हो, कुछ भी, हर व्यक्ति को पैसा आया तो पैसा उसमें से थोड़ा सत्कर्म के लिए दान देना ही पड़ता है, वैसे ही शरीर दिया तो शरीर को स्वच्छ रखना ही पड़ता है, स्नान करो। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि जो प्रत्यक्ष देवता है, अतिरेक जब हम करते हैं किसी का, और हमारे सामने जो हमारे माता पिता है, हमारे गुरु है, साक्षात गौ माता है, जो जल है वो हमारी माताएं हैं, गंगा मैया नर्मदा मैया, भगवान ने यहाँ कहा है यमुना का पूजन होना चाहिए। हम जब गंगा में स्नान करने जाते हैं तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि गंगा में केवल मानसिक शुद्धि के लिए, पापक क्षय के लिए स्नान करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उठे और चलो गंगा जी पर ही सब कर लेते हैं, अब वहाँ पर अपने मैले कपड़े ले गए, वहीं पर कुल्ला किया, वहीं पर ब्रश कर लिया, एक यहाँ थूक रहा है एक वहाँ थूक रहा है, वहीं पर स्नान किया, वहीं मैले कपड़े धो दिए, बालों में साबुन शैम्पू लगाकर वहीं धो दिया, वो पुड़ी वहीं डाल दी, और फिर गंगा मैया को फूल अर्पण करके गंगा माता की जय। साधारणतः लोग ऐसा करते हैं, किसी भी नदी में किसी भी जलाशय में अपने शरीर को शुद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पूर्व में कैसा था, जैसे पाइपलाइन नहीं थी तो गांव-गांव में पास पास में जो जल होता था तो वहां पर जा करके माताओं को, और उपाय नहीं था तो वहीं पर माताएं धो देती थी। शास्त्रों में वर्णन किया है, तब भी पूर्व में ऐसा था कि नदी में डायरेक्टली जाकर कभी भी अपने मैले वस्त्रों को नहीं धोते थे, बाहर कपड़ों को धोया जाता था। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया, मनुष्यों में आलस बढ़ गया और पानी कौन लाए, बस वहीं गए वहीं धो दिए सब हो गया, कहीं तो दीर्घशंका भी वहीं कर देते हैं, ये ठीक नहीं है, ये पाप है। इसलिए हमारे पास कहा जाता है कि बेटा गंगा में तुम साबुन लगाओगे ना तुम्हें काला पति मिल जाएगा, काली पत्नी मिल जाएगी, ये रंग की अवहेलना, वैसी बात नहीं है, बात यह है कि हमें वो काम करने से रोकने के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें कही है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। उदाहरणतः जैसे माताएं जब 3 दिन की बाहर होती है तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि सिर से नहीं नहाना चाहिए, तो मेरी नानी कहती थी सिर से नहाया तो गौ माता को मारने का पाप लगता है, तो हमें लगता था ये क्या, हम नहाए गौ माता को मारने, मतलब मुझे वो ठीक नहीं, लॉजिकली ठीक नहीं लगता था। जब मैं बड़ी हुई तब मुझे समझ आया कि हमारे जीवन का प्राण गौ माता थी, बेटा गौ माता को बुला ले, ऐसा जब कहा जाता था तो मनुष्य वो काम करने से रुक जाता था। अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो समय पे जब हम सिर से नहाएंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी, अधिक रक्तस्राव हो जाएगा, तो इसको रोकने के लिए अपनी तबीयत के लिए अलग अलग रीति से हमारे शास्त्रकारों ने ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसा ये बताया है। इफ वी डोंट अंडरस्टैंड, हमको लॉजिकल समझ नहीं आया तो ये नहीं समझना चाहिए कि शास्त्रों की बातें गलत है। मुझे सत्य में एक बात बताइए, हम एक रोग से डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द हुआ, पीठ में दर्द हुआ, घुटन में दर्द, कुछ दर्द हुआ, बाल झड़ रहे, कुछ हो गया, हम जाते हैं,
हमको पता भी नहीं डॉक्टर का जन्म कहाँ हुआ, कैसा है, संस्कारी है, अच्छा है, बुरा है। हम जाते हैं, बड़ा हॉस्पिटल देखा, फीस भी भर देते हैं बिना पूछे, फीस भी भर दी, 1000 कहाँ 1000, 500 कहाँ 500 भर दी। अंदर गए, डॉक्टर ने कहा ये ले लो बस कम हो जाएगा, तो हम कितने विश्वास के साथ मेडिसिन लेते हैं बताइए। नहीं नहीं डॉक्टर ने सांगितले हुईल कमी, विचार भी नहीं करते कि कदाचित हमें मेडिसिन से रिएक्शन हो जाए, पता नहीं कौन सा केमिकल है। वहां पे हम लोग पूछते हैं, पूर्ण विश्वास अगर एक साधारण शरीर के रोग को दूर करने वाले सभी भी नहीं कर पाते। डॉक्टरों का भी, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, ट्राई एंड एरर। हम जानते हैं क्या होता है, पहले तो ऐसा था कि नाड़ी देख करके कुछ औषधियाँ आयुर्वेद के अनुसार दी जाती थी, फिर वो अगर शरीर पर किस प्रकार का परिणाम करे ना कर पाए तो फिर मेडिसिन बदल दिया जाता था। अब जो हमारा एलोपैथी है तो उसमें पहले टेस्ट की जाती है कि शरीर में पहले क्या रोग है, वो टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि शरीर में क्या रोग है। हम पहले नहीं समझ में आता, टेस्ट के ऊपर डिपेंड है, अगर वो रिपोर्ट बदल गई गलत हो गई तो भी डॉक्टर, भले ही पेशेंट चला जाए वो बोलता है हमारी गलती नहीं है, वो इसमें ऐसा था। तो ऐसे डॉक्टर पर हम इतना विश्वास करते हैं कि हमारे सबसे प्रिय इस शरीर को बिना सोचे उसके जो भी दिया है वो हम अंदर डाल देते हैं। तो जिन संतों ने, जिन ऋषियों ने अपना संपूर्ण जीवन मनुष्य मात्र के, जीव मात्र के कल्याण के लिए अनेक वर्षों तक तपश्चर्या की, वृक्षों के नीचे रहे, हमारे लिए इन धर्म ग्रंथों को लिखा, इसका चिंतन किया, मनन किया, हमने सोचा, दैट वॉज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, सेमिनार्स थे ये। नैमिषारण्य में अनेक ऋषि बैठे हैं, एक टीचर को ऊपर बिठाया, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, वो आंसर, उसका संकलन भागवत है, उसका संकलन हमारे शास्त्र है। वर्षों वर्षों तक ऋषियों ने ये किया, क्यों? हमारे लिए। उन ऋषियों पर हमारा विश्वास नहीं क्यों, ये थोड़ा हमें विचार करना चाहिए। आज भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि भगवत गीता के 700 श्लोकों में यहां गलत है, यहां गलत है, थोड़ा इसको बदलो। नो, सब जाति अपनी अपनी जगह ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, ये मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ। क्योंकि सनातन धर्म के ऋषियों ने, संतों ने जितना विश्व कल्याण का, मनुष्य का नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण का जो चिंतन हमारे ऋषियों ने किया, वो चिंतन किसी भी न बाइबल में है न कुरान में है। अगर ऐसा होता तो मैं उनसे पूछती हूँ, व्हाई डू यू बिलीव इन कन्वर्जन? हम बिलीव नहीं करते। मेरी सखियाँ थी स्कूल में, मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि तुम हिंदू हो जाओ। आई रेस्पेक्ट देयर रिलीजन। कभी भी पर स्त्री पर, पर धन पर, हमारे राजाओं ने, हमारे शास्त्रकारों ने हड़पने के लिए नहीं कहा। संख्या बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ, एक देश पर आक्रमण करो, सारे प्रांत को हिंदू बनाओ, ये आपको कोई गुरु नहीं कहेगा। आप देखिए, भगवत गीता सुनिए, महाभारत सुनिए, रामायण सुनिए, वी हैव बीन हियरिंग, हम यही सुनते आ रहे हैं, हम यही बोलते आ रहे हैं कि हम आत्मस्वरूप का चिंतन करें। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कस्त्वं कोहं कुतायातः कामे जननी कोमेतातः। ये चिंतन कहाँ है, कस्त्वं कोहं कुतायातः कामे जननी कोमेतातः, मेरे माता पिता सच्चे कौन है, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ या शरीर से जो मैं भिन्न हूँ वो मैं हूँ। ये आत्मचिंतन हमारे सनातन धर्म का है। अपने शरीर के बारे में भी ज्यादा नहीं कहा तो दूसरे स्त्री पुरुष, दूसरे धर्म के बारे में क्या कहेंगे, मुझे बताइए। आत्मचिंतन का, आत्मोद्धार का, जीव कल्याण का जो हमारा सनातन धर्म है, इसीलिए गर्व से मैं सनातन धर्मी हूँ, ये मैं कहते हुए मैं बहुत
प्राउड फील करती हूँ। केवल ब्लाइंडली मैं इस धर्म में नहीं आई कि भाई मैं जन्म से हूँ तो मैं इसको फॉलो करूँ, नहीं, ये धर्म हमारा ऐसा है। दूसरे धर्म ग्रंथों को देखिए, उनके ही अधिकारियों से मैंने सुना है कि जो कुरान था उसमें कई बार बदल किया गया, उन्होंने खुद कहा है। आई रिस्पेक्ट, पता नहीं क्यों, मुझे मैं नहीं जानती, जो भी है, बाइबल में भी ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट। यू टेल मी, ओल्ड भगवत गीता, न्यू भगवत गीता, ऐसा आपने कभी सुना है? नहीं सुना है। वही 18,000 श्लोकों की संहिता हमारा भागवत तब उद्धार करता था, आज भी वही उद्धार करता है। वही 700 श्लोकों की भगवत गीता आज भी उतनी ही पवित्र है, उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही हम सबके जीवन को परिवर्तित करने में उतनी ही सक्षम है। तो हमारे यहाँ इसलिए कहा प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन, ये भी अपना एक महत्व है। इसलिए मैं कभी कभार कहती हूँ भगवान की भक्ति करो, नामस्मरण करो, पूजा पाठ, ये सब एक और है, लेकिन एक और ये बात है कि मैं अपने साथ जो परिवार है, अपने मित्र मंडल है, या मैं जिस क्षेत्र में काम, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं कोई दुकान रखी, कोई धंधा करती हूँ, तो उस क्षेत्र में हम जिनसे हम मिलते हैं, हम उनके साथ अपना बर्ताव कैसे करते हैं। ग्राहक में भगवान को देखो, अपने शिष्यों में भगवान को देखो, अपने परिवारजनों में भगवान को देखो, ये हमारा शास्त्र है। भगवान यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, प्रत्यक्ष भगवान का पूजन करना ही मनुष्य मात्र का मुख्य धर्म है। देखिए, अगर हम अपने सामने जो हमें आँखों से दिखता है, माता पिता, सखी, मित्र, बंधु, अपने परिचित जन, अपने घर के बाहर जो रहते हैं, पास वाले, अपने नौकर, जिनके साथ हम रोज मिलते हैं, जिनका शरीर हमें दिखता है, जिनकी बातें हम सुनते हैं, मुझे बताइए अगर हम उनसे द्रोह करें, उनको चीट करें, उनसे अगर हम ठीक से बर्ताव नहीं करें, अपने स्वार्थ के लिए अपने ही परिवारजनों को हम धोखा दें, उल्टी बात करें, अपमान करें, तो मुझे बताइए जो दिखता है उसके साथ यू कॉन्ट बी लॉयल, यू आर नॉट लॉयल। जो दिखता है उनसे आप प्रेम नहीं करते, तो जो नहीं दिखता उससे प्रेम कैसे होगा? इसीलिए हमारे यहाँ भक्ति का एक मार्ग है, ज्ञान का एक मार्ग है, तो एक मार्ग कर्म का भी है। इसीलिए भगवत गीता में पहले 6 अध्याय को कर्म मार्ग, फिर ज्ञान मार्ग, फिर भक्ति मार्ग कहा। क्यों? पहले कर्म करो। जो तुम कर्म करते हो, जो तुम निज जीवन में अपना जो कार्य करते हो, वो करते हुए पहले अभ्यास कि मेरे सामने जो दिखता है, बी लॉयल टू देम, उनसे आत्मविश्वास, आत्मघात मत करो, विश्वासघात मत करो, उनसे प्रेम करो, उनकी सेवा करो, तब धीरे धीरे हमारा मन जब शुद्ध होता है, तब धीरे धीरे भगवान की सेवा अलोंग विद दैट। दूसरी एक बात है, तो बहुत लोग क्या होता है कि कर्म में ही इतना विश्वास, दीदी हम वो भगवान राम नाम वो सब नहीं जमता, हम तो सेवा में विश्वास करते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा, ये किसी का सिद्धांत होता है, अच्छा है, लेकिन अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? जैसे मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत करोड़ रुपयों की मेरे पास धन है, तो अगर मेरी वृत्ति ये हो जाए कि मैं गरीबों को दान दूंगी, कि भाई मैं उनको वस्त्र दान दूंगी, तो जो दान देता है तब हमारी मनोवृत्ति कैसे होती है कि इसको 10 दूं कि इसको 20 दूं, है ना? वो अगर हमसे ठीक नहीं बात करता तो मैं क्यों उसको दूं? या फिर मैं दे रहा हूँ, मैं ये संस्था चला रही हूँ, हमने दिया है, हमने इतने कम्बल बांटे हैं, मैं का थोड़ा अहंकार कर्म में होता है। तो उस कर्म के साथ जब हम भक्ति करते हैं कि भगवान अगर नहीं होते, भगवान की कृपा मुझ पर नहीं होती, तो मुझे ये बोलने की शक्ति नहीं मिलती, भगवान अगर नहीं होते तो मुझे धन प्राप्त नहीं होता, धन भी अगर प्राप्त होता मुझे देने की बुद्धि नहीं होती,
ये जब हम कर्म के साथ भक्ति का अधिष्ठान अपने जीवन में रखते हैं तो वो कर्म करते हुए भी हमारे जीवन में अहंकार नहीं आता। दूसरी बात, घर परिवार में सभी घर में अच्छे होंगे, सभी घर में मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, ये संभव नहीं है। घर में जितने भी लोग हैं सबकी अपने अपने मत है। कोई अच्छा है लेकिन थोड़ा गुस्से वाला है, कोई अच्छा है लेकिन कुछ बोलता ही नहीं, तुम जानो तुम्हारी जानो, मैं तो कुछ करने वाला नहीं। कोई बहुत अच्छा है लेकिन उसको है ना पहले मैं मेरा नाम आना चाहिए। अब ये अलग अलग कैटेगरीज है, घर में सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो हम जब अपना कर्म करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, उसके साथ भक्ति का भाव, भगवान ने ये परिवार मुझे दिया है, वी कांट चूज अवर फैमिली, हम चूज नहीं कर सकते। हम धनवान फैमिली में आएंगे, परिवार में आएंगे या गरीब परिवार में आएंगे, हम भक्त परिवार में जन्मेंगे या किस पंथ में जन्मेंगे, सब भगवान के हाथ में है। तो ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से मैं यहाँ आया हूँ, भले ही धन हो न हो, ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, मैं अपना कर्तव्य करूँगा। इस प्रकार जब उस कर्म में भी भगवान का अधिष्ठान होता है तब हमें दुख नहीं होता। नहीं तो क्या हो जाता है, हमको लगता है अरे मैंने क्या पाप किया, मुझे ऐसा परिवार मिला, अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मैंने बड़े पुण्य किए, मेरा ऐसा परिवार है। अहंकार दुख जो भी है, अगर मैं का अस्तित्व जागा तो तब ये हो जाता है। इसलिए सब में भगवान का हाथ। संत वर्णन करते हैं मनुष्य मात्र को दुख की प्राप्ति क्यों होती है, When he forgets Krishna, जब भगवान को भूले तो दुख आ जाता है। इसका अर्थ यह है कि बार बार जो भगवान की सत्ता को देखता है उसके जीवन में दुख होते हुए भी उसे दुख की अनुभूति नहीं होती। भगवान गोवर्धन की लीला का यही तो अर्थ है। जब ज्ञान भक्ति बढ़ती है जीवन में, ज्ञान और जब भक्ति बढ़ती है तो वासना की वर्षा होती है। आप देखिए, हमने निर्णय लिया कि हम 7 दिन अब घर में रामचरितमानस का पारायण करेंगे, उसी दिन ऑफिस से कॉल आएगा, आज अर्जेंट है थोड़ा जल्दी आ जाओ। घर में राम 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 करने लगे तो परिवार वाले पहले से ज़्यादा सताएंगे, तुम्हारी ये भक्ति है ना कुछ काम की नहीं है, ठीक से बर्ताव करो। तो हमें भी अगर लगने लगा सत्य बात है तो छूट जाएगी माला। जब हम अच्छा काम करते हैं तो एंटी फोर्सेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम अब देखिए, किसी को अनुभव होगा तो हमारा एक अनुभव है, जैसे लोगों में जब पैरालिसिस आता है तो उनका हाथ हिलता नहीं है ना, ऐसे तो उनका हाथ ऐसे नीचे नहीं हो रहा तो डॉक्टर उनको बोलते हैं भाई हाथ नीचे करो। अब हाथ नीचे नहीं हो रहा तो वो नीचे करने का प्रयत्न करता है, तब डॉक्टर की ट्रीटमेंट है कि उसको एंटी फोर्स लगाते हैं, डॉक्टर उसको पीछे और करेगा और इसको आगे करेगा। जब हम लोग ये ट्रीटमेंट दे रहे थे तो एक पेशेंट ने मुझसे पूछा, दीदी मैं पहले ही नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे फिर से उसको अपोजिट क्यों कर रहे हो। तो हमारे सर ने कहा, देखो तुम अगर ऐसा करना चाहो तो होगा नहीं, जब एंटी फोर्स लगेगा ना तो तुम्हारा फोर्स देने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार संसार में जितनी विपरीत शक्तियाँ बढ़ेगी ना उतनी हमारी भगवत वृद्धि और ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए और तब ही होती है। तो कोई हमको विपरीत अवस्था प्रदान कर रहा है उसमें भी जब भक्त भगवान की कृपा मानता है, उस कर्म में भी भगवान की सत्ता, तो वो कर्म भक्ति के कारण अहंकार नहीं उत्पन्न होने देता, दुख को नहीं उत्पन्न होने देता, तब हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। उस कर्म से हमें धीरे धीरे मन शुद्धि होती है, कर्म से भी होती है। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं, कर्मणा जायते जन्तुः कर्म नैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं
कर्मणैवाभिपद्यते। शुकाचार्य भगवान वर्णन करते हैं, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शुकाचार्य भगवान वर्णन करते हैं कि जीव मात्र को यह चाहिए कि अपना कर्म करते रहे, ज्ञान की प्राप्ति करती रहे, भक्ति भक्ति की प्राप्ति करती रहे। जब यह वृद्धि होती रहती है तब वासना की वर्षा होती है, लेकिन जो भक्त भगवान के आधीन होता है उसके गोवर्धन को, उसके जीवन को भगवान अपने अंगुली से आधार देते हैं। यहाँ भगवान ने इसीलिए कहा कि बाबा हमें, हमारे सामने जो प्रत्यक्ष दैवत है हमें उनका पूजन करना चाहिए। पहले मेरे जीवन में ऐसा था, जब मैंने कथा आरंभ की तो मैंने जिन संत का सुना था, संत श्री डोंगरे जी महाराज, वो तो बस आंख बंद करके कथा करते, कोई सामने आया देखते नहीं थे, तो उनका मेरे जीवन में इतना प्रभाव हो गया, मैं किसी से बात नहीं करती थी, बोलती नहीं थी, नीचे सिर करके बोलती थी, बात करने की ज़्यादा आदत नहीं थी, किसी से कुछ मांगना नहीं, बोलना नहीं, जाना कथा करना आना। गोपाल कृष्ण भगवान की। तो मुझे ये सुनने को मिला, दीदी बहुत लोगों को आपसे बात करने की इच्छा होती है, आप थोड़ा उनसे बात किया करो। तो एक मनोवृत्ति थी कि भाई किसी को देखना नहीं, किसी से बात करना नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं भागवत सुन सुन के, मुझे तो ऐसा लगा, बहुत वैराग्यवान भक्तों की बात सुनकर, कि मुझे ऐसा लगा आज मैं अपनी आँख फोड़ डालूंगी, कान निकाल दूंगी, किसी से मिलूंगी नहीं, बस भक्ति करनी है। कभी कभार ऐसा हो जाता था कि बस किसी से बात नहीं कर। लेकिन जब गुरुजी की आज्ञा हुई कथा करो, तो वो जीवन ये जीवन कुछ मैल नहीं खा रहा था, तो लोग बोलते थे कि बात करना चाहिए आप। फिर हमारे गुरुदेव ने मुझे बताया, देखो बेटा भक्ति करना यानी आंख बंद करना नहीं है, आंख के सामने पाप भी आया तो उससे प्रभावित न होना, इंद्रिय कंट्रोल, आंख को कंट्रोल करना, पाप भले सामने आए, पाप सामने होगा, अंदर तभी जाएगा जब आपने मन के आंखों को खोल दिया। बाहर की आंख खुली रखो, बाहर की आंख खुली रखो, मन की आंख बंद करो। बाहर तो सब खुला ही रखना पड़ता है। तब हमारे गुरुदेव ने एक नया दृष्टिकोण दिया। तो गुरुदेव जब जीवन में आते हैं तो जीवन बदल जाता है। गुरुदेव ने एक बात कही, देखो बेटा भक्ति करना यानी आंख बंद करना, वनवास जाना, किसी से बात नहीं करना, ऐसे वस्त्र नहीं पहनना, वैसा नहीं खाना, ये नहीं है। जो हम करते हैं वो भगवान के लिए करना, उद्देश्य परमात्मा होना चाहिए। खाओ भगवान के लिए, पहनो भगवान के लिए, बोलो भगवान के लिए, देखो भगवान के लिए, सुनो भगवान के लिए, कथा कहो भगवान के लिए। फिर हमने सुना गुरुदेव से कि जीवन में हर किसी का जीवन महत्वपूर्ण है, हर कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा, हर कोई बाबा जी बन सकता है? सब छोड़ दिया अब हम तो संन्यास ले लेंगे, रामकृष्ण हरि राम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। आज हमारे मध्य में जो राठौड़ जी आए हैं, हमारे एमएलए साहब, मैंने स्वयं अपने जीवन में उनका काम देखा। देखिए मैं कभी किसी पार्टी की पक्षपाती नहीं हूँ, सभी पार्टी वाले आते हैं, क्यों? यहाँ पर भगवान की सत्ता है, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है। अगर एक मंत्री, एक व्यक्ति मंत्री बनता है, मंत्री बन करके धन के कारण अगर उसकी आंख बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? सारे गांव में, सारे शहर में राक्षसों की संख्या बढ़ जाएगी। एक अच्छा मंत्री अगर आता है तो, मैंने देखा हुआ गांव की आपको व्यवस्था बोलती हूँ, एक मुखरा नामक गांव है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर मेरी कथा हुई थी। तो जब मैं वहां पर गई, इतने छोटे छोटे गाँव थे, बस झोपड़ियाँ जैसे छोटे छोटे गांव, सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर कथा की, पहली कथा। उसके बाद दूसरी कथा हुई, तब हमारे एमएलए जी से मेरा परिचय हुआ।
तो वहाँ के लोगों ने इनसे कहा, मंत्री जी हमें यहाँ पर बहुत सुंदर बनाना है, मंदिर खोलना है, लोगों के उद्धार के लिए हमें कुछ कार्य करने हैं, उन्होंने बताया। तो इन्होंने झट से कहा कि मैंने दे दिया है। तो दो बार हो गया, फिर तीसरी बार जब ये हमारी नोटबंदी हो गई थी, नोटबंदी होने पर यहाँ हमारे देश में कई लोगों ने लोगों की मदद की, तो कई लोग ऐसे थे जिन्हें अगर मांगा गया, तब हमारे पास पैसा होते हुए भी पैसा नहीं था, तो अगर 500 का चेंज मांगा तो उसने कहा 300 मिलेंगे, 200 खुद खा लेते थे, ऐसे लोग थे। ऐसी अवस्था में इस गांव के लोगों ने, जो सुभाष जी है उनका बेटा दीपक, बहुत छोटे लोग, मतलब आयु से बहुत छोटा है दीपक, ऐसे लोग हैं, इन राठौड़ जी का वहाँ पर सब व्यवस्था होती है, उन्होंने हर व्यक्ति का बैंक खुलवाया, हर व्यक्ति को कार्ड दिलवाया, एटीएम कार्ड, उसको कैसे उपयोग करे, एकदम छोटे छोटे गांव के लोग हैं जिनको अंक समझ नहीं आते, उनको सब करवाया, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना के टाइम पे सबका वैक्सीनेशन, सबकी, वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था कि जिसे पहले कोरोना हो जाए, अगर एक दो व्यक्तियों को हो गया, सारी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी। तीसरी बात, जब मैंने उसके फोटोज मैंने अपने फ़ोन पर देखे, मैं तो परेशान हो गई। इतना छोटा गांव, बहुत विशाल मंदिर बना है वहाँ पर, बहुत बड़ा वहाँ पर स्मशान बना है वहाँ पर लोगों की व्यवस्था के लिए, इतने पेड़ पौधे लगाए हैं, मैं तो बोलती हूँ हमारे घर के आसपास वालों को बोलकर मैं थक गई, पढ़े लिखे लोग हैं, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, गर्मी नहीं लगाया, वहाँ पे छोटे से गांव में सारा गांव का पूरा चित्रीकरण बदल गया। क्यों बदल गया? एक धर्मात्मा मंत्री के कारण, कर्मणा जायते, कर्म ऐसा होना चाहिए, मैं तो बस सन्यासी बन जाऊंगा, ये कर्म सन्यास ही है, अपने कर्म से लोगों में सुख समृद्धि को बढ़ाना, लोगों के कौशल का रक्षण एक मंत्री जो करता है वही कर्म सन्यास है। तो इसलिए देखिए, उनकी बहुत सारी मीटिंग थी, दो तीन दिन से प्रयत्न कर रहे थे, आए क्यों आते हैं? हमारे यहाँ की एक पद्धति, राजा सदैव व्यास से, सद्गुरु से, संतों से आशीर्वाद लेकर ही अपने जीवन को सार्थक मानता था, उन्हीं के मार्गदर्शन से चलता था, ऐसे है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, कह सकते थे भाई मंत्री हो मैं क्यों आऊँ। सदैव राजाओं ने, हमारे धर्मात्मा राजाओं ने धर्म को प्रधान माना, इसीलिए धर्म कार्य करते हुए ऐसे मंत्रियों के लिए हमें जोरदार तालियां देनी चाहिए। यही हमारा कर्म है, हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में बी लॉयल, घर परिवार में हो उनसे प्रेम करो, पूरे मन से प्रेम करो, पूरे मन से अपने माता पिता की सेवा करो। भगवान ने कहा, बाबा मुझे ऐसा लगता है जो साक्षात ब्राह्मण है, जो गौ माता है, जो गिरिराज है, जो जमुना जी है, हमें उनका पूजन करना चाहिए। तो सारे गोपों ने सोचा, सभी ने सोचा कि अरे कन्हैया तो छोटा है लेकिन सत्य बोलता है, और सभी ने स्वीकार किया, हम इस वर्ष इंद्र के लिए यज्ञ नहीं, हम तो गिरिराज गोवर्धन का पूजन करेंगे। और भगवान ने भी अपने ज्ञान को फोर्स नहीं किया, ही डजंट इम्पोज, ही कन्विंसेस। लोगों को हम केवल बोल सकते हैं, देखो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इम्पोज नहीं करना चाहिए, देखो ये नहीं करोगे ना भगवान ऐसा बुरा कर देंगे, ये सनातन धर्म कभी नहीं है, पूजा नहीं करोगे काली माँ का कोप हो जाए, ये सनातन धर्म नहीं है। भगवान से प्रेम करने की शिक्षा हमारे सनातन धर्म में दी है। तो शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं, राजन, कि सभी ने सम्मति दी तो सारी गोपियाँ आईं और भगवान से पूछने लगी, अरे कन्हैया हम करेंगे पूजा लेकिन करना क्या है? तो भगवान ने कहा, सभी माताओं से कहा, अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाइए, मीठा है, खट्टा है, पापड़ बनाइए, दाल बनाइए, सब्जी बनाइए, पूरी बनाइए, गुलाब जामुन, ज़्यादा कहूँगी तो अभी अभी से आपको भूख लग जाएगी,
भगवान ने कहा इतने सारे पदार्थ बनाइए, सब बनाना है। तो गोपियों ने कहा हमारे पीछे तो यही होता है कन्हैया। भगवान ने कहा अरे रुको तो सही, सब तैयार करना है, फूल लाने हैं, फल लाने हैं, उसके बाद तुम सबको बड़ी सुंदर सुंदर साड़ी, लहंगा, फरिया, अच्छे अच्छे दागिने पहनकर आना है। अब गोपियों के मन में उत्साह हुआ, तो ये सारी गोपियों को बड़ा आनंद हुआ और सारी गोपियाँ अनेक पदार्थ बनाती हैं, स्वलंकृता, भुक्तवंतः, स्वनुर्लिप्ता, सुंदर स्वयं को अलंकृत करके सारी गोप गोपियाँ आई है। गोवर्धन गिरिराज का पूजन हुआ है, अभिषेक हुआ है, फिर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों का पूजन करवाया, गो माता का पूजन करवाया है, जमुना जी का पूजन हुआ, संतों का पूजन हुआ। तो सारी गोपियों ने कहा कन्हैया अब क्या करना है। कन्हैया ने कहा ऐसे खड़े नहीं रहना है, अपने पतियों को साथ लाओ, साथ मिलकर गिरिराज गोवर्धन के प्रदक्षिणा करो। सारा 56 भोग भगवान को अर्पण किया था, लाडू है, मिश्री है, मिठाई है, बहुत पदार्थ बनाए थे। तो सारी गोपियाँ बड़ी आनंदित थी, अपने अपने पतियों को लाकर प्रदक्षिणा करने लगी। तो एकाएक गोपियों की नजर गई, अरे मैंने तो 100 लड्डू लाए थे, 2 कम दिखते। सारी गोपियों ने देखा गिरिराज गोवर्धन से हाथ निकल रहा है और एक एक लड्डू खा रहे हैं। अरे कन्हैया ये तो खाए रहो है, ये तो खाए रहो है। भगवान ने कहा देखा, आपने कभी इंद्र को नहीं देखा होगा, लेकिन ये गिरिराज साक्षात भगवान है, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। और ऐसा कभी मत सोचना कि भगवान खा रहे हैं तो हमको नहीं देंगे, जितना खाएंगे उससे दुगना हमको प्रदान करते हैं। सारे गोपियों ने प्रदक्षिणा की, सारे अत्यंत आनंदित होकर के गिरिराज धरण की जय जय घोष करती है, गिरिराज धरण की जय।